ये लिजर्ड जब अंडे देती है तो उस टाइम इसका कलर रेड हो जाता है और फिर अंडे देती ही ये कलर गायब हो जाता है। हेलो दोस्तों, फैमिफैक्ट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम दुनिया के 10 ऐसे मिस्टीरियस एनिमल के बारे में जानेंगे जो इतने मिस्टीरियस हैं कि उन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन है। हेयरी फ्रॉग फिश। दोस्तों इस दुनिया में आपने बहुत सी तरह की मछलियां देखी होंगी, लेकिन आप ये जो फिश देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस फिश है। दिखने में एक मछली की तरह तो छोड़िए, ये किसी क्रिएचर की तरह भी नहीं दिखती। ये दरअसल किसी बालों वाले कीड़ों की तरह दिखती है। आपको बता कि ये फिश समुद्र के अंदर तकरीबन 130 फीट के गहराई में रहा करती हैं। साथ ही ये जहरीली भी नहीं होती, इसलिए लोग इन्हें खा भी सकते हैं, लेकिन दरअसल इनका टेस्ट बहुत ही बेकार होता है, इसलिए दोस्तों इन्हें ना ही खाया जाए तो बेहतर है। दोस्तों इस मछली का लाइफ स्पैन तकरीबन 20 सालों का होता है। वैसे दोस्तों आपको ये फिश कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एल्बिनो सील। दोस्तों एल्बिनो सील समुद्री जानवर होते हैं जो दिखने में एक अगली डक की तरह होते हैं। आपको बता दें कि ये व्हाइट से ज्यादा रेड दिखते हैं, यही ये इनकी एक अनोखी खासियत होती है। इनके इसी अपीयरेंस के चलते दूसरे सील इन्हें साथ रखना पसंद नहीं करते, यानी इस बेचारे को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये इतने रेयर होते हैं कि 1 लाख में मात्र एक एल्बिनो सील ऐसे पैदा होते हैं। इनके आंख में भी कोई पिगमेंटेशन नहीं होता और इनकी आई साइट भी बुरी होती है। सन बियर। दोस्तों सन बियर दुनिया के सबसे रेयरेस्ट एनिमल में से एक है। ये इतने रेयर हैं कि दुनिया में इनकी मात्र 1000 ही प्रजातियां बची हुई हैं। सन बियर दुनिया के सबसे छोटे भालू की एक प्रजाति है जो तकरीबन 5 फीट लंबे होते हैं और इनका वजन तकरीबन 70 kg होता है। दोस्तों इनके बॉडी का सबसे यूनिक पार्ट इनका लार्जेस्ट टंग होता है जो वाकई काफी बड़ा होता है। इनके चेस्ट पर ऑरेंज या क्रीम कलर के पैचेस बने होते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं पैचेस के कारण इनका नाम सन बियर पड़ा, क्योंकि कुछ लोग का मानना था कि ये पैचेस सन राइजिंग को दर्शाता है। ये बियर ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। साथ ही ये बियर बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, क्योंकि अगर कोई इन्हें बेवजह छेड़ता है तो ये सीधे उस पे अटैक कर देते हैं। वैसे दोस्तों आपने कभी ऐसा बियर देखा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। लॉन्ग वेटल अम्ब्रेला बर्ड। दोस्तों अम्ब्रेला बर्ड दुनिया के सबसे रेयरेस्ट बर्ड में से एक होती है। आपको बता दें कि ये बर्ड इतने रेयर हैं कि दुनिया में इनकी 10 से 20 हजार प्रजातियां ही बची हुई हैं, लेकिन समय के साथ इनकी प्रजातियां दिन प्रतिदिन घटते चली जा रही हैं, जिसके चलते ये बर्ड विलुप्त होने की कगार पे है। दोस्तों आप अगर इनके हुड को देखेंगे तो इनका हुड एक अम्ब्रेला की तरह होता है, इसलिए दोस्तों इनका नाम अम्ब्रेला बर्ड पड़ा। आपको बता दें कि ये अपने वेटल का यूज फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। ये बर्ड ऑलमोस्ट ब्लैक होते हैं। साथ ही ये ज्यादातर कीड़े मकोड़े, छिपकली और फल खाया करते हैं। ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए उड़ान भरते हैं और शरीर भारी होने की वजह से ये हवा में बहुत ही स्लो उड़ते हैं। दोस्तों ये बर्ड वाकई सबसे अलग दिखते हैं। कोलोरेड लिजर्ड। दोस्तों अगर एक लिजर्ड की बात करें तो हमें से बहुत से लोगों ने इसे एक बार तो जरूर देखा है, लेकिन शायद ही आपने एक मिस्टीरियस लिजर्ड देखा हो। वेल आप ये जो लिजर्ड देख रहे हैं ये है दुनिया के सबसे मिस्टीरियस एनिमल में से एक कोलोरेड लिजर्ड, जिनकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इनकी इसी खूबसूरती की वजह से लोग इन्हें पालतू बनाना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर इनकी खूबसूरती की बात की जाए तो इनमें मेल्स बहुत ही चमकीले होते हैं, साथ ही उनका बॉडी ब्रिलियंट ग्रीन और उनका हेड ब्राइट येलो होता है, वहीं फीमेल्स पेलर ब्राइट ग्रीन होती हैं। दोस्तों ये लिजर्ड ज्यादातर पथरीले इलाकों में पाए जाती हैं। अगर दोस्तों इनके खान पान की बात की जाए तो ये सिर्फ कीड़े मकोड़े ही नहीं खाते, बल्कि ये लिजर्ड्स और दूसरे कोलोरेड लिजर्ड को भी खाया करते हैं। दोस्तों कोलोरेड लिजर्ड की इस बात पे तो शायद आप भी यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जब फीमेल कोलोरेड लिजर्ड अंडा देती हैं तो उनके शरीर पर चमकीले लाल रंग के धब्बे बन जाते हैं और अंडा देते ही ये रंग गायब हो जाते हैं। वैसे आपने कभी इस लिजर्ड को आज से पहले कभी देखा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सोच क्या रहे हैं, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओकापी। ओकापी जिन्हें फॉरेस्ट जिराफ के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे अनयूजुअल जानवर में से एक होते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका आधा धड़ डियर की तरह होता है तो आधा जेबरे की तरह। दोस्तों आपको बता दें कि ओकापी एक ऐसा जानवर होते हैं जो अपने आंखों और कानों की सफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनका टंग आम जानवर के मुकाबले बेहद ही बड़ा होता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसका टंग 2 फीट से ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों ये होते तो जंगली जानवर ही है, लेकिन ये जंगल में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। व्हाइट सर्बल। दोस्तों व्हाइट सर्बल दुनिया के सबसे रेयरेस्ट एनिमल में से एक है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये इतने रेयर है कि दुनिया में मात्र इनकी 2 ही प्रजातियां मौजूद हैं। साथ ही इनकी लाइफ स्पेन भी मात्र 10 सालों की ही होती है। व्हाइट सर्बल प्योर व्हाइट होते हैं, साथ ही इनकी आंखें हल्की ब्लू या ग्रीन होती हैं और इनके बॉडी पर गोल्डन धब्बे बने होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनका चाल ढाल एक चीता की तरह होता है। दोस्तों सर्बल असल में एक जंगली बिल्ली होती है जो गुस्से में इंसानों को भी जान से मार सकती है। वैसे दोस्तों आपको ये व्हाइट सर्बल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सी पिग। दोस्तों सी पिग जिन्हें सी कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे सीक्रेटिव और मिस्टीरियस क्रिएचर में से एक है जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। ये समुद्र के सरफेस से 4000 से 16000 फीट के गहराई में रहा करते हैं, जिस वजह से इनकी अधिक संख्या होने के बावजूद भी ये मिस्टीरियस बने रहते हैं। दोस्तों अगर बात करें अगर इनकी लाइफ स्पैन की तो ये 72 से 78 सालों तक जिंदा रहते हैं। आपको बता दें कि इनका पूरा बॉडी पिंक होता है और इनका अपीयरेंस एक पिक की तरह होता है और ये समुद्र के निचले स्तर में रहना पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से ही इनका नाम सी पिक रखा गया होगा। वैसे दोस्तों आपको ये जानवर किस जानवर की तरह लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोर्स। दोस्तों जोर्स एक हाइब्रिड एनिमल है जो एक मेल
मेल जेब्रा और एक फीमेल हॉर्स का क्रॉस ब्रीड होता है, जिसके चलते इनका आधा हार्ट एक घोड़े की तरह होता है तो आधा जेब्रे की तरह, जिसके चलते आप अगर इनके बॉडी पे देखेंगे तो इनके बॉडी पर जेब्रे की तरह ब्लैक स्ट्रिप्स बनी होती है। दिखने में जानवर बहुत ही खूबसूरत लगता है। दुनिया में इस जानवर की मात्र 100 ही प्रजातियां मौजूद है। वैसे आप में से बहुत से लोगों का यह सवाल होगा कि आखिर इसे क्रॉस क्यों किया गया। आपको बता दें कि इसे क्रॉस कराने का सबसे मेन मकसद यह था कि इसे लोग घोड़ों की तरह पालतू बनाकर अपने घर में रखना पसंद करते थे, क्योंकि अफ्रीका में सेस से फ्लाई बीमारी फैलने के चलते घोड़े और डंकी सर्वाइव नहीं कर पाते थे, जिसके चलते इन्हें क्रॉस कराना पड़ा। वैसे दोस्तों इस जानवर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सक्लूसिव साइड क्राउन जेलीफिश। दोस्तों इस जेलीफिश का ऊपरी भाग एक छाते के आकार का होता है जो असल में एक क्राउन की तरह दिखता है और ये नीली बैगनी रंग की होती है। साथ ही ये मछली 3000 फीट की गहराई में रहती है जहाँ पानी का टेम्परेचर ठंडा रहता है। इनकी लाइफ स्पेन तकरीबन 6 महीने की होती है। दोस्तों इसे देखने पर तो यकीन ही नहीं होता कि ये कोई जेलीफिश भी है, क्योंकि ये दिखने में किसी क्रिएचर की तरह भी नहीं दिखती, बल्कि इसे देखने पर ऐसा मालूम होता है मानो ये कोई एल्गी हो। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसके पास ना कोई ब्रेन होता है, ना हर्ट होता है, ना ब्लड और ना ही गिल्स होती है। क्राउन जेलीफिश दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश की एक प्रजाति है, लेकिन ये इंसानों के लिए जानलेवा साबित नहीं होती। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे मिस्टीरियस एनिमल। वैसे आपको इनमें से सबसे मिस्टीरियस एनिमल कौन सा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।